गुड इवनिंग बच्चों, मैं राहुल कुमार श्री क्लास से भागलपुर से, और अपना लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा बच्चों, बीएमएल। उसमें भी पिछले दिन तक में अपना लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 तक पढ़ चुके थे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक। आज अपना लोग शुरू करते हैं क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। हालांकि आज सुबह का जो क्लास था वो थोड़ा सा बाधित था, हम आज शाम 5 बजे ये कर दिए हैं, तो हम उसको यहाँ पूरा कर दिए। आज अपने लोग का जो टॉपिक था वो है कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, रंगीन यौगिक का निर्माण। ठीक है, उसी को शुरुआत करते हैं, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरे किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा, तो इसी को देखते हैं अपना, इसी का शुरुआत करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। देखो बच्चों है क्या चीज, ठीक है ना, शुरू करते हैं इसे, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉपर्टी नंबर ये होगा 10, फॉर्मेशन ऑफ कलर। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड या रंगीन यौगिक का निर्माण क्या चीज, किसको हम लोग कहेंगे, इसी को शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सब देखते हैं कि ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। व्हाइट ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर, ठीक ना, कैसा दिखता है क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन दिखता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसी को, देखो ऐसा है क्या, हिंदी में क्या लिखते हैं इसी को, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, अपने लोग को यही चीज पढ़ना, इसी चीज को देखना है। क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ मिलेगा वो कुछ इसी रूप में, तो हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब पहले इसके पूरे रीजन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन बनाने वाला इस पर जो है उसको भी समझ लेते हैं, क्या रीजन बताएंगे इसका वो पहले। तो सुनो, पहले संक्रमण ब्लॉक का या डी ब्लॉक का लगभग जो भी तुम्हारा एलिमेंट है या उसका आयन, वो सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट, जनरली मतलब सामान्यतः अधिकतर अवस्था में वो कैसा होता है, कलरफुल रंगीन होता है। ये जो संक्रमण तत्व है अधिकतर केस में ये कैसा होता है, आपको रंगीन कलरफुल। अब क्या कारण है इसका वो जब है, कारण क्या है वो समझते हैं। अगर एक लाइन में सिंपल समझना हो, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दे, तो आंसर है डीडी ट्रांजिशन। कोई पूछे कि यह रंगीन क्यों है, तो एक लाइन का हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो, तब तो सिंपल आंसर बता देंगे किसके कारण ये कलरफुल होता है, तो डीडी ट्रांजिशन के कारण या डीडी संक्रमण के कारण, किसके कारण, डीडी ट्रांजिशन के कारण या डीडी संक्रमण के कारण। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, उसका आयन, ये सब या कंपाउंड, ये सब किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में या एक्वस स्टेट, ठोस अवस्था में या जलीय अवस्था, दोनों अवस्था में रंगीन होता है, किसके कारण से, डीडी संक्रमण के कारण, किसके कारण, डीडी संक्रमण के कारण, डीडी ट्रांजिशन के कारण। अब लेकिन रही बात क्या चीज कि ये डीडी संक्रमण है क्या चीज, ये कैसे जाने, तो इस कहानी को थोड़ा सा समझें, कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान है, ठीक ना, आपको रीजन लिखने के लिए पूछेगा ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है, एकदम आएगा, ठीक ना, तो आंसर लिखना है, लेकिन पहले सबको समझते हैं। देखो,
डी ब्लॉक में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल है बच्चों? 5 ऑर्बिटल ना। हम लोग ये नाम जानते हैं कौन सब है, तो एक का नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। क्या क्या नाम है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और एक का नाम क्या है? डी एक्स टू वाई टू, और एक का नाम क्या है? डी जेड। ये पांच कक्षक है। पहले पूरा कहानी है, कुछ है नहीं, इसको ध्यान से सुन ले। तो डी कक्षक में क्या है? ऑर्बिटल है पांच। नाम क्या क्या है उसका देखो ना, जो पांच डब्बा बनाते थे ना उसका नाम ये। इस पांचों का एनर्जी एक जैसा होता है, ऊर्जा ऐसा होता है एक जैसा है। लेकिन इस पांचों का एनर्जी कैसा है? एक जैसा। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, अब लिगेंड का मतलब कुछ बच्चा नहीं समझ रहा, तो कोई माइनस चार्ज वाला एलिमेंट, प्लस चार्ज वाला या न्यूट्रल, ठीक है ना, कोई भी चीज जैसे इसको अप्रोच करेगा, इसके नजदीक आता है तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। कितने पार्ट में टूट जाता है? ये दो पार्ट में। एक का नाम होता है P2G और एक का नाम होता है E। पहले सुनना, एक का नाम है P2G और एक का नाम क्या है? E। ठीक ना। इसमें कौन कौन नाम था? dx2y2 और एक है dz2। इसमें अब बचा कौन कौन? dxy, dyz, dzx, dz। अच्छा, ये ऊपर नीचे कोनो अपने मन से नहीं दिखला देते हैं, ये दर्शाता है लाइन खींच करके ऐसे एनर्जी दिखाती है। इसका मतलब क्या चीज है कि ऊपर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है, मतलब T2G से ज्यादा एनर्जी है इसका EG। थोड़ा सा कहानी सुन लो एक बार, आप पहले ध्यान से क्या ये जो संक्रमण तत्व है ये रंगीन होता है, इसका आयन भी, इसका कंपाउंड भी। काहे रंगीन होता है? डीडी संक्रमण के कारण। अब डीडी संक्रमण है क्या चीज, उसको ये बता रहे, उसी में बोले कि डी के पास 5 ऑर्बिटल है। नाम क्या है देखिए, सबका एनर्जी एक जैसा होता है ऊर्जा, लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड इसको अप्रोच करता है माइनस चार्ज वाला स्पेसी, तैसे ही ये दो पार्ट में टूटता है T2G और E। T2G से किसका एनर्जी ज्यादा होता है? EG का। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2G से जंप करके कहां चला जाए? EG में। लेकिन जंप की अप्लस करने लगे रहते कुछ एनर्जी देने के बाद, ऊर्जा देने के बाद, सपोज ये 5 जूल पर है और ये 15 जूल पर है ना, ज्यादा तो होगा करेगा, उसी के लिए ये लाइन दिखा है। तो कितना जूल एनर्जी चाहिए? 10। अगर इस इलेक्ट्रॉन को 10 जूल एनर्जी दे देंगे चला जाएगा कहां पर? ठीक ना। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन नीचे चला है, 15 जूल से 5 जूल में बदल जाए, तो वो रिलीज करता है ऊर्जा कितना? 10। पहले तो ऊपर गया, फिर जैसे ही नीचे आता अपने आएगा, अपने उद्योत्तेजन होता है, उद्योत्तेजन का मतलब है डी एक्साइटेशन, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा कितना जूल? 10। और उसी 10 जूल का जो एनर्जी निकलता है वो किस रूप में? लाइट के रूप में, कलर के रूप में। किसके रूप में निकलता है? कलर के रूप में, लाइट के रूप में। वही कलर अपने लोग को दिखता है। अब कहोगे सर इसमें डीडी ट्रांजिशन कहां? तो इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी वाले, कम ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जाना। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? कम ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल, इसी का नाम है डीडी। इलेक्ट्रॉन का कम ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से कम ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल में जाना ही क्या कहलाता है? डीडी ट्रांजिशन। दिक्कत कुछ है इसमें बच्चों? और इसी के कारण वो कलरफुल होता है, रंगीन होता है, नहीं तो ये रंगीन होता नहीं।
एक बार और 2 मिनट हम समय लेंगे, जल्दी से सबको बोल दे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये किस में, इसका आयन कंपाउंड ये सॉलिड स्टेट में या एक्वस स्टेट में रंगीन होता है, कलर को शो करता है अधिकतर। काहे भाई, तो डीडी ट्रांजिशन कहता है। अब डीडी ट्रांजिशन क्या है उसको पूरे डिटेल में ये बता दिए कि डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक है, डी सबसेल में पांचों का एनर्जी से, लेकिन लिगेंड अप्रोच करता है तो 2 पार्टिकल उठता है P2G और DG। P2G से ज्यादा एनर्जी है DG का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर गया और फिर नीचे आया DX, ये अपने हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी व्यंजन तब जाएगा वो अपने होगा। तो वो जितना एनर्जी क्या करेगा छोड़ेगा वो किस रूप में, लाइट के रूप में, उसका जो कलर है वही दिखता है। जो इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, या ये तो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही जंप कर रहा है, उसी का नाम क्या है डी ट्रांजिशन। ये ऑब्जेक्टिव में भी है और आपको रीजन करके भी पूछता है, तो हम लोग इसी के आंसर को अब लिख देते हैं। जल्दी से आप लोग भी ध्यान दीजिए, पहले इस फिगर को बनाइए, हम इसके रीजन को जल्दी से फोटो बना, ठीक ना, तब फिर हम लोग इसके रीजन को बता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के रीजन को थोड़ा सा लिखते हैं। आप लोग इसका फिगर बना लिए, ठीक है, चलो इसको अब हटा करके इसके रीजन को लिखते हैं। तब फिर आप इसका रीजन लिखते रहे बच्चों, क्या है रीजन अब यहाँ पर लिखते हैं। पहले जिस रूप से आपको लिखना है वो लिखते हैं, इंग्लिश तब हिंदी। ट्रांजिशन एलिमेंट आर, ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलरफुल, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इट्स आयन कंपाउंड आर कलरफुल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एक्वस स्टेट ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन किसके कारण से, डीडी ट्रांजिशन, ठीक ना, डीडी संक्रमण के कारण। ये पहले लिख, अब उसी के नीचे में एक काम करना, खत्म ना हुआ अभी, इसी जगह पर डीडी ट्रांजिशन लिख। आपको तो हम समझा दिए कि यह है क्या चीज डीडी ट्रांजिशन, उसी का डिफिनेशन अब देखो लिख रहे, द जंप ऑफ लोअर एनर्जी डी इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी डी इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज नोन एज डीडी ट्रांजिशन। फोटो बना ही दिए है, इसको भी लिख दिया, ठीक ना, उस कहानी को भी लिखेंगे, लेकिन मेन पहले रीजन इतने में आ गया, उस कहानी को भी लिखेंगे, पहले इसका हिंदी, ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं। संक्रमण तत्व आयन एवं इसके योगी ठोस एवं
जलीय अवस्था में, ठोस एवं जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में रंगीन होते में डीडी संक्रमण के कारण, ये डीडी संक्रमण के कारण, डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होते, के कारण रंगीन होते, किसके कारण रंगीन होता है तो मतलब डीडी संक्रमण के कारण रंगीन। अब डीडी संक्रमण है क्या चीज है उसको भी लिख देते हैं। कम ऊर्जा वाले ना इस सब को समझा चुके हैं। कम ऊर्जा वाले डी कक्षक इलेक्ट्रॉन का अधिक ऊर्जा, डी कक्षक इलेक्ट्रॉन का अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाना है डीडी संक्रमण का। ठीक है बच्चों, पहले इतना हो गया। जल्दी से आप लोग भी इसको लिखिए, हम ऊपर वाले को हटा करके उस कहानी को भी लिख देते हैं कि कैसे कैसे ये होता है डीडी ट्रांसफर। पहले आपको भी जो आंसर लिखना है वो फोटो बनाएंगे, पहले इस दो लाइन को लिखेंगे, इतना तो लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चे स्टेट बोर्ड का दे रहे हैं, जब स्टेट बोर्ड समझते हैं बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, तो उनको पूरा कहानी बना के लिखना पड़ेगा। और अगर सीबीएसई बोर्ड से दे रहे तो इतना में भी कम चल जाए, कोई दिक्कत उसको है नहीं, ठीक ना। तो उनके लिए हमको वो पूरा भी लिखना पड़ेगा। चलिए अच्छा, आप देखिए जरा एक कम और कर देते हैं, इसी जगह पर वो भी लिख देते हैं। अब देखो जो डीडी संक्रमण है उसका फुल एक्सप्लेनेशन ये कर न, यहां पर ऐसे देखो बी और वाई या डी सबसेल है, देखो ना पूरे कहानी को ले, डी सबसेल है फाइव सेम इनर्जी वाटर। किताब पढ़ेंगे तो नाम डी जेनरेट मिलेगा, सेम इनर्जी और वाइटर। डी जेनरेट का मतलब एक समान ऊर्जा वाला, उन्हें पांच नाम था उसको, और वाइटर कौन कौन है तो नाम लिख देना, डी एक्स वाई, DYZ, DZX, और क्या सब था, DX2Y2, DZ2, हो गया। अब देखो लिगेंड मतलब कोई भी स्पेसिस, निगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला, न्यूट्रल लिगेंड, अप्रोचेज टू, अप्रोच करना मतलब नजदीक आना, अप्रोचेज टू डी और वाइटर, दे डी डी और वाइटर, देन मतलब तो इट स्प्लिट टूट जाता है, कितने पार्ट में, स्प्लिट इनटू टू पार्ट, दो भाग में ना, टू पार्ट कौन कौन, T2G and E, एनर्जी मतलब ऊर्जा, किस चीज का एनर्जी ऑफ ईजी, इज ग्रेटर देन टी टू, हो गया बच्चों। अब इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ग्रहण कर ले सम एनर्जी, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ टी टू जी लिख देते हैं, एब्जॉर्ब मतलब ग्रहण करे क्या चीज, एनर्जी, एंड जंप टू ईजी, देन इट इज नॉन एज, तो यही क्या कहलाता है, इट इज नॉन एज डीडी ट्रांजिशन, नॉन एज डीडी ट्रांजिशन। ये हुआ पूरा कहानी करके हम लिखे डिफिनेशन, और इसमें डायरेक्ट लिख दिए थे कि कम ऊर्जा से कहां गया है ज्यादा ऊर्जा पर, ठीक है बच्चों। डीडी ट्रांजिशन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ, एंड It is responsible for color of transition। ठीक है बच्चों, चलो देखो इससे पीछे जहां थोड़ा सा सुन लो, इससे पीछे जहां तक लिखे थे वो भी एकदम सही आंसर है, परफेक्ट है,
लेकिन अगर स्टेट बोर्ड का दे रहे हैं एग्जाम, वो फिगर बना करके यहां से इसको भी जोड़ देना है, ठीक ना, जो स्टेट बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड सब लोग ने पे काम चला, दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हिंदी में लिखते हैं उनके लिए लिखते हैं डी यू कक्षा में पांच समान ऊर्जा वाले, पांच समान ऊर्जा वाले, पांच समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, पांच समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, कौन कौन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और कुछ कुछ नाम है, डी एक्स टू वाई टू एवं डी जेड। यदि कोई लिगे इसके समीप आए तो यह दो भाग कौन कौन, टी टू जी एवं ई जी में टूट जाता, टूट जाता। ईजी का ऊर्जा इससे ज्यादा होता है, टी टू जी से ज्यादा होता है, कि बहुत बारी कहानी होती है, ज्यादा होता है। यदि कोई टी टू जी का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर कहां जाए, टी टू जी का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर ईजी में जाए, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे डीडी संक्रमण कहते हैं। यही इसी के कारण संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जो कहानी बताए वो यही है। अगर आप कोई स्टेट बोर्ड दे रहे हैं तो पूरे को लिखना है, सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं आप पीछे जहां तक लिखे थे वही लिख करके छोड़, ठीक ना। जल्दी से इसको उतार दीजिए तब फिर आगे बढ़ते, जल्दी से इसको नोट डाउन तब फिर आगे।
चलो चौथा सा सुन लो, ये क्या लिखे हैं, पढ़ते हैं। कोई भी आयन या यौगिक तभी रंगीन होगा या रंगहीन होगा। फर्स्ट सुनना पहले क्या कह रहा है, ये आयन तभी रंगीन होगा या रंगहीन होगा। रंगीन तब होगा जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या जीरो नहीं, और रंगहीन कब होगा जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या नहीं होगा, इसमें जीरो होगा तब क्या होगा, वो रंगहीन। अगर जीरो होगा तब क्या है, रंगहीन है। अगर जीरो नहीं है तब कैसा है, रंगहीन। देखिए कोशिश में बचो यहां एक बार। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखें, ठीक ना, एग्जाम्पल से जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। देखो कब कैसे चेक करेंगे वो आप बतला रहे, ठीक ना बच्चों। देखो जल्दी ठीक है। देखो तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ही पूरे डिपेंडेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या जीरो नहीं है तब समझेंगे वो रंगीन है, अगर जीरो है तब कैसा है, रंगीन। अब इसका एग्जाम्पल दे, ठीक ना, एग्जाम्पल देखो। अब इस पर बना करके दिखा, इस पर अब एग्जाम्पल बना करके दिखलाते हैं, ऐसे खाली ये जो है करने से होगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा, जैसे सबसे पहला फर्स्ट रूल, पहला नंबर क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन करके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्न में से कौन, which of the following आयन colorful और colorless, colorful oblique colorless, कौन सा आयन रंगीन है और कौन सा आयन रंगहीन है, निम्न में से कौन सा आयन, निम्न में से कौन सा आयन आयन रंगीन या रंगहीन है। ये पहचान कैसे पहचान कि कौन रंगीन है और कौन रंगहीन है, ठीक ना। देखो बच्चों सबसे पहला जैसे चेक करते हैं, SC+3 21 है एटॉमिक, पहला चेक करते हैं बारी बारी से, तीन चार हम बना करके तब तुम लोग का अपने क्लियर। स्कैंडियम 21 का क्या लिखते हैं कंफिगरेशन, बोलो, आर्गन 4s2 3d1, क्या गो इलेक्ट्रॉन हटाओगे, तीन गो, कहां कहां से, दो गो 4s से एक गो डी से, तो बचेगा क्या, आर्गन कौन गैस है, इनर्ट गैस, और कौन वो इनर्ट गैस होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या, और जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या जीरो हुआ ये कैसा होगा, कलरलेस, ऐसा होगा कलरलेस। दूसरा सेकेंड नंबर Zn+2 30 है एटॉमिक नंबर जिंक का, चेक करके बतलाना है। देखो बच्चों अभी हम ही करते हैं, 30 का बोलो कंफिगरेशन, आर्गन 18, हमको लगता है इसमें अब नहीं दिक्कत होगा किसी को, 4s2 और 3d10। अब क्या करोगे बोलो, क्या को इलेक्ट्रॉन, दो को, कहां से हटेगा, 4s से, बचेगा क्या चीज, 3d10, डी में क्या को इलेक्ट्रॉन है, 10 को, क्या अनपेयर होगा, बोलो 10 को है इसका मतलब पूरा कोई भर ले है, दूसरा तीसरा ऐसे पहले पांच को भरते, छठा सातवां आठवां नौवां और ये दसवां, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या गो, जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, इसका मतलब ये कैसा होगा, कलरलेस, कैसा होगा, कलरलेस। एक और नाम है CD+2
48 है एटॉमिक नंबर, क्या कंफिगरेशन बोलो जल्दी से, क्रोमियम सॉरी क्रिप्टन 36, 5s2 38, तब क्या थी 4d10 48, क्या कोई इलेक्ट्रॉन हटाओगे दो दो कहां से 5s से, तो बचेगा क्या चीज 4d10, डी में 5 को डब्बा बना करके भरेंगे, क्या फिर से देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें भी 0, कैसा कलरफुल की कलरलेस है सर, ये सब कैसा है कलरलेस है, कलरलेस काहे कलरलेस हुआ भाई, रंगहीन है, किस लिए काहे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 0, कोई कष्ट है इसमें शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक और कौन सा नाम है तीसरा के बाद चौथा नंबर कैडमियम के बाद Hg+2 80 होता है मरकरी का ना, उसका देखो क्या कंफिगरेशन होगा तुम्हें लोग बोलो Xenon 54 6s2 अब ये होगा पता 54 2 56 4s14 70 तब 5d10 80 क्या कोई इलेक्ट्रॉन हटा दो कहां से 6s से हटेगा सबसे बाहर वाला तो Xenon बचेगा क्या 4s14 और 5d10 अभी भी देखो कैप में 14 कैप के लिए डब्बा 7 को बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन है क्या वो 14 को ई भरोगे ये भी फुल फील्ड होगा फुल फील्ड मतलब पूरा भरा हुआ 7 ने बना है डब्बा 3 4 5 और ये 7 इलेक्ट्रॉन 14 को भरना था पहले 7 में एक एक करके भरते फिर उल्टा स्पिन कर हम तो जल्दी में सब में भर दिए ठीक है ना तो पता ये 14 है तो एक एक करके फिर उल्टा चले उसी रूप से 5d10 में 5 को बनाते इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्या वो 10 को क्या एक को बिना जोड़ा का बचेगा तो भी लोग बताओ एक भी बिना जोड़ा का नहीं होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना इसमें 0 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा कलरलेस रंगहीन होगा कैसा होगा रंगहीन तो अभी तक जो अपना लोग एग्जांपल दिखाए हैं हम सब कलरलेस है जितना भी दिखाए सब कैसा दिखाए सब कलरलेस है सब कैसा है बच्चों ये कलरलेस है एक भी कलरफुल इसमें है नहीं और दूसरे टाइप का भी दिखाएंगे जल्दी से पहले आप लोग इसको तब एक चीज और नोट करके पहले बताएंगे तब फिर आगे जल्दी से आप लोग पहले इसको हम दो मिनट रुकते हैं आप लोग चलो तो ठीक है चलिए अब इसको हटा अब देखो एक दो और एग्जांपल एक दो इसमें एग्जांपल और कौन सा है उसको दर्शा ठीक ना देखो जरा इसके बाद देखते हैं अगर ये तीनों आप लोगों ने देख लिया होगा तब आगे बढ़ते हैं तब देखो कोई आदमी कह दिया कि इसको चेक करके बताओ चौथा Cobalt+3 27 कोई आदमी कह दिया Ni+2 नीके 28 एटॉमिक नंबर कोई आदमी कह दिया इसको चेक करके बताओ Cu+2 कोई आदमी कह दिया कि मैं हमको बताए ये चेक करके Cu+2 को कोई आदमी कह दिया कि हमको चेक करके बताइए किसको Chromium+2 को कैसे चेक करें और चार पांच हम बना दे तब आप लोग अपने से 27 पहले क्या करें कॉन्फिगरेशन लिखते हैं आर्गन 18 4s2 20 3d7 क्या गो इलेक्ट्रॉन हटाओगे भाई तीन गो कहां कहां से दो गो s से एगो d से बचेगा क्या आर्गन
3D6। अब D6 के लिए डब्बा बनाइए, D के लिए क्या गो 5 गो, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या गो है 6 गो, एक एक करके भले छठा यहाँ आया, क्या गो है मेरा इलेक्ट्रॉन भाई 4 गो है, 0 है, 0 अगर न है तब ये कैसा है, कलरफुल है। कैसा है ये, कलरफुल है या रंगीन, कैसा है रंगीन। हम कलर का भी नहीं चर्चा कर रहे कि ये किस तरीके का हो, उसको याद रखने का एक ट्रिक है कि अब ये किस तरीके का होगा वो याद रखने का एक ट्रिक है। हम लोग यहाँ आज ही शाम में 7 बजे जो है उसको भी अपलोड कर देंगे, मुश्किल से 5 मिनट का है और एकदम बड़ा अच्छा ट्रिक है, उसको आप लोग देख लीजिए। लेकिन अभी पहले खाली ये जानो कि कौन कलरफुल और कौन कलरलेस। निकेल प्लस 2 28 के लिए क्या लिखोगे बच्चों, आर्गन 4s2 3d8 28 का भी यही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटाओ कहां से हटेगा 4s से 3d8, डी में क्या गो डब्बा बनाओगे 5 गो, इलेक्ट्रॉन क्या गो भरोगे, इलेक्ट्रॉन भरोगे क्या गो 8 गो, 3 4 5 छठा सतमा आठवां अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 गो होगा, कैसा ये कलरफुल होगा। एक और बना करके दिखाते हैं, कलरफुल मतलब कैसा रंगीन हो। एक ये Cu+2 दिखला देते हैं, इसको रख कर लो 29 का देखो क्या लिखे, आर्गन 4s2 की 4s1 एक्सेप्शन है 29 और 24, 18 1 19, 3d10 29, क्या को इलेक्ट्रॉन हटाओ 2 गो, एक 4s से एक 3d से, डी में क्या को इलेक्ट्रॉन 9 गो भरो, पूरा एकदम में भरा आएगा, खाली तो जरूर रहेगा 3 4 5 6 7 8 9, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो भाई एक हो, कैसा होगा कलरफुल या रंगीन हो, कलरफुल या रंगीन। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से अब ये बनेगा, ठीक ना, ये हमको उम्मीद है कि अब आप लोगों से बनेगा, ठीक ना। अच्छा मोहम्मद साहिब कॉपी चाहिए, इसमें तो अभी जो बतलाए हैं वो सारा जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अभी इस लॉकडाउन में कोई बच्चा यहाँ थोड़े है जो कि हम किसी से दिलवा सकेंगे आपको, तो अभी आप इससे देख सकते हैं ताकि मुझे बात, हाँ आप इसमें जितना भी प्लेलिस्ट है उसमें से देख करके आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा साहिब, चलो देखो जा सकते ये जो है अब आप लोग अपने से बना सकते। कुछ और आप लोगों के बनाने के लिए हम लिख देते हैं, उसको बनाइए, तब इस पर एक दो रीजन वाला क्वेश्चन लिखे, ठीक ना। ऐसा देखो क्वेश्चन, अब बनाना घर में क्या क्या, Titanium+4, Titanium+3 और कौन सा Vanadium+3, घर में बनाना है Vanadium+2, कलरफुल है कि कलरलेस है ये खाली चेक करना, Chromium+3, Magnesium+2, Mn+3, चेक कर लो ये सब आगे, हमको लगता है ये आप लोग बना सकते हैं अपने से, Co+2, 27, Fe+2, Fe+3, ठीक ना, 26 है आयरन का एटॉमिक नंबर, तो उसको घर में आप लोग बनाइए। एक और रीजन वाला क्वेश्चन अब यहां बदलाते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर, ये जल्दी से आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, उस सब को घर में बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए एक और रीजन वाला क्वेश्चन है उसको देखिए, ये तो हो गए, अब रीजन वाला क्वेश्चन कौन सा है उस पर, उसको आप लोग घर में बनाइएगा रीजन वाले क्वेश्चन। चलो देखो रीजन वाला क्वेश्चन कौन है इस पर, उस पर हम लोग, ठीक ना बच्चों। देखो अपना लोग अभी कुछ देर पहले 3-4 नाम देखे जिसमें कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 था, कौन कौन था वो नाम,
स्कैंडियम प्लस थ्री, जिंक प्लस टू, अभी तुरंत पीछे बतला है एचजी प्लस टू, सीबी प्लस टू, ये जो तीन चार नाम देख रहे हो इसका जो भी साल्ट है मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें कि जिंक पर चार्ज प्लस टू हो, अभी वो बतला दे जिसमें कि चार्ज प्लस टू हो वो सब होगा किस कलर का, व्हाइट कलर। कलरलेस तो हम लोग कह रहे हैं लेकिन रीजन में क्वेश्चन यही रहता है। तो एक बात ये नोट करके एकदम ध्यान में रखेंगे, जनरली जनरली मतलब सामान्यतः जनरली जेड एन प्लस टू, सी बी प्लस टू, एस सी प्लस थ्री, एच जी प्लस टू, सार्ट व्हाइट इन सार्ट व्हाइट इन व्हाइट इन सामान्यतः 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 जेड एन प्लस टू, सी डी प्लस टू, एस सी प्लस थ्री, एच जी प्लस टू, के लवन उजले रंग के, के लवन उजले रंग के, इसका जो कलर आप लोग देखेंगे चेक करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट। अच्छा अब लेकिन एकाध बच्चा जो है इसमें कंफ्यूजन भर, सरी क्या इस साल क्या कह दिए, ये है अर्थ। देखो जैसे तुमको कोई आदमी नाम लिख दिया है इसे कि जेड एन सी एल टू का रंग रंगीन है कि रंगहीन है, बाय ये पूछ दिया, जेड एन प्लस टू नहीं पूछा, क्या पूछा, जेड एन सी एल, सब कुछ क्लियर करके समझ जेड एन सी एल टू किस कलर का। तो हम लोग पहले पढ़ते थे ये जो टू है ये चार्ज होता है जी, और यहाँ जो वन है ये किसका है, क्लोरीन, मतलब इसमें जेड एन पर चार्ज है प्लस टू और सी एल पर क्या है माइनस। कोई आदमी लिख दे एफ डी सी एल टू, ये टू है चार्ज इसका और वन किसका है, क्लोरीन, एफ डी प्लस टू सी एल, एफ डी सी एल थ्री तीन है एफ डी का और वन किसका है, सी एल, कुछ बुझा बात है, ये भी आप कह दिए सी डी सी एल टू, इसका अर्थ क्या है कि दो इसका चार्ज है और वन किसका Cl। तो अगर तुमको ये कह दे कि बताओ ये CdCl2 कैसा है, किस कलर का, तो Cd प्लस टू देख लो पूरे को ना, Cd प्लस टू, ZnCl2 कहता तो Zn प्लस टू, FeCl2 कहता तो Fe प्लस टू, FeCl3 कहता तो Fe प्लस थ्री, इसका देखते कि ये कलर कूल है कि कलरलेस। अगर ये कलर कूल होता है एफ प्लस थ्री ये पूरा भी कलर कूल है रंगीन होगा, एफ प्लस टू कलर कूल है ये भी रंगीन होगा, सी डी प्लस टू कलरलेस है कलरलेस। लेकिन हम तो एक नोट करके कुछ चीज देखो बताया कि जेड एन प्लस टू, सी डी प्लस टू, एच जी प्लस टू, ये सब कैसा होता है, वाइट कलर, कैसा होता है बच्चों, व्हाइट कलर का। तो आपको जो क्वेश्चन है ये तो उस रूप से कह सकता है, ऐसा भी कर देगा कि ये कलरफुल है कि कलरलेस है बताइए, ये चीज कम रहता है कि वो किस कलर का और किस कलर का है वो, ये याद रखने का हम आज एक ट्रिक बताए, हम उसका अभी कोई चर्चा इसमें नहीं कर रहे, उसको अलग से 5 मिनट का वो वीडियो, ठीक ना। अभी खाली आप ये देख रहे कि कलरफुल है कि कलरलेस है, ये कलरफुल है और ये सब कलरलेस है। लेकिन अब इसमें भी जेड एन प्लस टू और सी डी प्लस टू सब वाले का कैसा होता है कलर, व्हाइट, काहे बता दे रहे हैं इसी में कि तुम्हारे बोर्ड में वो पूछता है, क्या पूछता है बोर्ड में क्वेश्चन, व्हाई सी डी प्लस टू साल की व्हाइट, ये सब में पूछा हुआ मिलेगा, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सब में Y C D प्लस टू, Y C D प्लस टू साल डी वाई साल डी वाई, सी डी प्लस टू के लवन सफेद होते हैं, के लवन सफेद है, के लवन सफेद है, रीजन इसका हम लोग जानते हैं, कुछ है ये है काम क्या करो, सी डी प्लस टू का कंफिगरेशन 48, क्या कंफिगरेशन,
क्रिप्टन 36, 5s2 38, 4d10 48, दो को इलेक्ट्रॉन हटा दिए 5s से बचेगा क्या चीज 4d10, बी में क्या को डब्बा बनाओगे 5 गो इलेक्ट्रॉन, क्या को भरोगे 10 गो, एक को रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भूल से बिना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हुआ। यहाँ रीजन करके लिखते हैं कि जितना भी नाम है सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, एक और नाम जोड़ देते हैं अगर कहोगे तो टाइटेनियम प्लस 4, ये सब का कलर जो है कलरलेस तो ये है, कलर क्या होता है वाइट, यहाँ पर लिखेंगे Cd+4 है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज वाइट, सो इट इज वाइट, यही इतने और कुछ नहीं। Cd+2 के पास शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उजले रंग का, ठीक है बच्चों जल्दी से। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट, दो तीन बार पूछा Cd+2 सार्थी जल्दी से। ठीक है बच्चों, इसको हटा दो, मतलब इतना दूर तक में देखो एक ही चीज आया है, ये सब जितना भी नाम है Zn+2 Cd+2 ये सब जहां पर भी आ गया समझ लेना वो भाई, और रंगीन ही कहेगा तो भी चलेगा, ठीक ना, क्या के मुझे बात है। हाँ चलिए एक बात, अब उसी तरीके का यह वो क्वेश्चन ऐसे बैठा के लिखिए Yc+3 साल्टी पर, क्या अपने से लिख लोगे इसका आंसर, Sc+3 के लवण सफेद है, के लवण सफेद है, खाली कॉन्फ़िगरेशन है तब लिखना है, Sc+3 लिख दिए 21, क्या कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10 3d1 तीन गुणित हटाइए देंगे तो बचेगा आर्गन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना सेम वही रीजन, Sc+3 के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसीलिए उजले रंग का, Sc3 के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये लिख रहे हो उसी खाली Sc+2 के जगह पर Sc+3 अपने को भी उसको भी कोनो नाम आता वही आंसर, ठीक ना, आप लोग कर सकते हैं इसको, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग इसी रूप से इस वीडियो को देखते रहे, समझ में अगर आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा, और जिनका सब्सक्राइब नहीं हो किया वो सब्सक्राइब, आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हम लोग पुनः मिलेंगे अगले दिन नए टॉपिक के साथ, लेकिन इसी का 5 मिनट का मुश्किल से या 10 मिनट का होगा वीडियो है, जिसमें कि हम लोग ट्रिक बताएंगे कि किस आयन का क्या कलर होता है, ये याद रखने का उपाय बतला देंगे 5 से 10 मिनट, ठीक ना, उसको भी देख लीजिएगा शाम में 7:15।